बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों पर 4,345 शिक्षकों की बहाली, पुल खुली तो अब सबकी बर्खास्तगी तय। जी हां, बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो गई है। विजिलेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। पटना हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने का आदेश भी दिया है। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 4,345 शिक्षकों की बर्खास्तगी अब तय है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों की जानकारी तलब किए जाने के बाद से विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के ऐसे 4,345 शिक्षकों को चिन्हित किया है जिनके प्रमाण पत्र जाँच में संदिग्ध पाए गए हैं। इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने को कहा गया है। विदित हो कि बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2006 से 2015 के बीच करीब 3.62 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को लेकर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस ब्यूरो को दी थी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति की जांच कर रही विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने शिक्षा विभाग को एक बार फिर से आगाह किया है, जिन नियोजन इकाइयों में शिक्षकों के रिकॉर्ड गायब हैं, वहां ज्यादा गड़बड़ी हुई है। जांच का दायरा बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित नियोजन इकाइयों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे विजिलेंस ब्यूरो फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों की पहचान में तेजी ला सकेगा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की जल्द जांच पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि 3 वर्ष बीतने के बावजूद जांच पूरी नहीं की जा सकी है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको हम आगे और भी जो जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।